एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बुरी खबर सामने आई जब पता चला कि सोफिया लियोनी अब इस दुनिया में नहीं रही। जी हाँ, 26 साल की एडल्ट स्टार सोफिया लियोनी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। उनकी बॉडी उन्हीं के अपार्टमेंट में पाई गई और इस बात का खुलासा खुद उनके स्टेप फादर माइक रोमेरा ने किया। बात करें उनके डेथ रीजन की तो पहले बताया जा रहा था कि उनकी मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन लेटेस्ट खबरों की माने तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और मामला रॉबरी और होमिसाइड का बताया जा रहा है। जी हाँ, कुछ न्यूज पोर्टल्स का कहना है कि सोफिया लियोनी के साथ रॉबरी और होमिसाइड हुआ है। आपको बता दें, एडल्ट स्टार की मौत की खबर उनके फादर ने GoFundMe पर अपने बयान को जारी करते हुए की थी। सोफिया के पिता ने बताया कि बेटी के चले जाने से उनका पूरा परिवार बुरे सदमे में है। सोफिया लियोनी के पिता की तरफ से बयान में कहा गया कि 1 मार्च को सोफिया अपने अपार्टमेंट में बेहोश मिली थी। हालांकि अभी तक उनकी मौत का रीजन तब सामने नहीं आया था। पुलिस ने इस बात को कहीं ना कहीं नोट किया कि पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ है, यानी कि 10 दिन पहले ही सोफिया लियोनी अपने अपार्टमेंट में बेहोश पाई गई थी, जिसके बाद आज सुबह ये खबर सामने आई कि सोफिया अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों में एडल्ट स्टार की मौत का ये तीसरा मामला है। सोफिया लियोनी से पहले हैना फील्ड्स का भी निधन हुआ था और उनकी बॉडी भी उन्हीं के घर में पाई गई थी। आपको बता दें, इसके अलावा 36 साल की कागली लिन कार्टर के सुसाइड का मामला भी सामने आया था। सोशल मीडिया पर एक तगड़ी बहस छिड़ गई है कि आखिर एक के बाद एक एडल्ट स्टार की मौत के पीछे की वजह क्या है, और इन सभी के मौत के पीछे के राज अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। रॉबरी और होमिसाइड का मामला भी पुलिस बता रही है, लेकिन सच्चाई क्या है ये अभी तक काफी बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि ऐसे बैक टू बैक डेथ से कहीं ना कहीं पॉर्न इंडस्ट्री का काला सच सामने आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है इन सभी के पीछे का रीजन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी न्यूज़।